डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज हमारे फर्स्ट टर्म का लास्ट वीडियो देख रहे हैं ओसी का, क्योंकि आपको पता है कि अब कल और परसों आपकी यूनिट टेस्ट है और फिर 29 से तो हमारा दिवाली वेकेशन है। तो आज हम हमारे आठवें चैप्टर का तीसरा हिस्सा देखेंगे। दो हिस्से जो हमने देखे इस चैप्टर के, उसमें हमने ये देखा कि कारोबारी पूंजी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसकी अहमियत क्यों होती है। फिर हमने ऑनर्स फंड देखा, फिर उसकी खसूसियात देखी, फिर हमने इक्विटी शेयर देखा, उसकी किस्में देखी, प्रेफरेंस शेयर देखा और उसकी किस्में देखी। अब आज हम बात करेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच के फ़र्क की, कि इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। कि इक्विटी शेयर फ़र्ज़ियत यानी लाजमी है, तो हाँ, इक्विटी शेयर फ़र्ज़ियत है, लाजमी है। हर कंपनी को इस किस्म के इक्विटी शेयर बाहर पालने ही होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर ये कंपलसरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो इसे शेयर करे, कंपनी ना चाहे तो ना करें। इसके बाद डिविडेंड और दर, कि इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड की शरह होती है वो कैसी होती है, ना मुकर्रर होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर की जो शरह होती है, जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है, मुकर्रर होता है। अधिकार यानि हक, इक्विटी शेयर के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको कंपनी की सभा में हाजिर रहने का, वोट देने का और संचालकों को चुनने का हक होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतने सारे हक नहीं मिलते। उन्हें सिर्फ जो उनसे मुतालिक चीज़ें हैं, उनसे ताल्लुक रखने वाली चीज़ें हैं, उसी में पूछा जाता है। जो खामियां ने खतरात, इक्विटी शेयर में खतरात की तादाद कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जबकि प्रेफरेंस शेयर में खतरात की तादाद कम रहेगी। रोकाणकारों या सरमायाकार, जो खतरे लेने के लिए रेडी हो, प्लस जो शेयरों में सट्टे का काम करते हो या सट्टा लेना जिनको पसंद हो, वो लोग ज़्यादातर इक्विटी शेयर लेना पसंद करते हैं। जबकि जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी पूंजी सलामत रहे या उन्हें एक मुकर्रर इनकम, एक आवक फिक्स हो जाए, वो लोग प्रेफरेंस शेयर लेना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है बाजार भाव। इक्विटी शेयर के जो बाजार भाव है उनमें हमेशा बदलाव आता रहता है, कभी कमी तो कभी ज़्यादा होता रहता है इसके भाव में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसी किसी भी तरीके की कीमत में बदलाव नहीं होते, इसकी कीमत, इसकी शरह वगैरह फिक्स होती है। मूड़ीमा वृद्धि, इक्विटी शेयर में आपको हक के शेयर मिलते हैं, बोनस के शेयर मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पूंजी है उसमें इजाफा होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में आपकी जो पूंजी है उसमें किसी भी किस्म का इजाफा नहीं होता, आपकी जितनी प्रेफरेंस शेयर की मूड़ी है उतनी ही रहती है। इसके बाद आएगा राखी मुकेल कमाणी अथवा नफानु धंधामा पुनः रोकाण। अब कंपनी क्या करती है कि उसके पास जो पैसे है उसमें इजाफा हो, इसके लिए वो नफ़ा कमा लेती है, और नफ़ा कमाने के बाद सारे नफ़े को डिविडेंड के तौर पे तकसीम करने के बदले कंपनी क्या करेगी कि नफ़े का जो अमुक हिस्सा है, जो अमुक भाग है, वो अनामत के तौर पे अपने पास रख लेंगी, बराबर, कारोबार के लिए। अब मुस्तकबिल में कारोबार में जो जिम्मेदारियां खड़ी होने वाली है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कंपनी ये जो रखी हुई पूंजी है इसको कहीं पे इन्वेस्ट करेगी और इससे फिर से नफ़ा हासिल करेगी, जिसको कहेंगे पुनः रोकाण, कि दोबारा सरमायाकारी इसको हम कहेंगे। दोबारा सरमायाकारी करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है मंदी ना समय में उपयोगी, कि ये हमको मंदी के दौर में यूज़फुल होती है, जो हम दोबारा सरमायाकारी करते हैं वो, कि मंदी के वक्त में जो बाज़ार में नेगेटिव चेंजेस होते हैं, उन नेगेटिव चेंजेस का सामना करने के लिए हमें ये पूंजी बहुत काम आती है। भावी योजनाओं ना अमल माटे उपयोगी,
कारोबारी इकाई की तरक्की के लिए, उसकी फैलावे के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए हमें बाहर से फिर पैसे हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा ये जो हमारी दोबारा सरमायाकारी हमने की थी, इसी के पैसों से हमारा काम चल जाएगा। नवी मिलकतो खरीदवा माटे उपयोगी। अगर कंपनी चाहे कि वो और ज़्यादा नई मिलकत खड़ी करना चाहती है, तो नई मिलकत खड़ी करने के लिए उसे पूंजी की ज़रूरत होगी, और ये पूंजी कहाँ से हासिल हो जाएगी? दोबारा सरमायाकारी से हासिल हो जाएगी। स्थिर डिविडेंड नीति। कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी डिविडेंड का एक उसूल, एक पॉलिसी अपना लेती है, और उस पॉलिसी के तहत वो ये जो राखी मुकेल कमानी, जो रखे हुए पैसे थे, उसी को यूज़ कर लेती है। बोझ मुक्त मिलकत, जो रखी हुई, ये जो रखे हुए पैसे थे, ये किसके हैं? ये कंपनी के हैं। इसके लिए कंपनी के ऊपर या मिल्कत के ऊपर किसी तरीके का बोझ नहीं होता। मीन्स के कंपनी को ये टेंशन नहीं होती है कि अब उन्हें उनके पैसे चुकते करने हैं या कर्ज देना है। मूड़ी पड़तरमा घटाड़ो। अब जो पूंजी हमें पड़ने वाली है हमारी पैदावार की, उसमें क्या होगी? कमी होगी, और जितनी हमें पड़तर कीमत कम होगी, उतनी हम सेलिंग कम में कर पाएंगे, जितनी सेलिंग हम कम में कर पाएंगे उतनी ज़्यादा हमें मुनाफा हासिल होगा। मालिकीनु भंडोल, कि ये हमारे ही पैसे थे, हम ही ने इसको फिर से इन्वेस्ट किया था, रीइन्वेस्ट किया था, इसके लिए हमको हमारे पैसों पर ब्याज नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से कंपनी के जो पैसे हैं उसमें इजाफा होगा। मर्यादा, अब इसके हुदूद क्या क्या है? सबसे पहला, इजारा शाही ने प्रोत्साहन। कोई कंपनी क्या करती है कि ज़्यादातर जो नफ़ा होता है ना, उसको फिर से री इन्वेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो इजारा शाही है ना, इसको शरा मिलती है। सट्टाखोरी ने उत्तेजन। कई बार क्या होता है कि कारोबार के जो संचालक है, जो मैनेजर्स है, वो कम डिविडेंड चुकता कर ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अनामत के तौर पर रख लेते हैं, जिससे जो शेयर के बाज़ार के भाव है उसमें कमी आती है। अब जब ये शेयर के दाम में कमी आती है, तब संचालक क्या करते हैं? खुद ही शेयर्स खरीद लेते हैं और इनको खरीद कर रख लेते हैं, और जब ऊँचा डिविडेंड कंपनी जाहिर करती है तब उन शेयर को बेचते हैं। तो ये तो उनका पर्सनल फ़ायदा हुआ, और यही उसका एक हुदूद है। आर्थिक रीते नबड़ी अने नवी कंपनियों माटे मुश्किल। अब ये जो दोबारा सरमायाकारी है, तब जो कंपनी ऐसी है जो इक्तिसादी तौर पर ज़रा कमज़ोर है, ये उनके लिए टफ काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले ही उनके पास पैसों की कमी है, और अब उन्हें फिर से अगर आप री इन्वेस्ट करने के लिए कहो तो उन्हें तकलीफ़ हो जाएगी। इसके अलावा जो नई कंपनियाँ हैं कि जिनके अभी तश्कील हो रही हैं, या अभी अभी जिनकी तश्कील हुई है, उनके लिए भी दोबारा सरमायाकारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद आता है नाना रोकाणकारों ने लाभ नहीं। अब जो छोटे छोटे सरमायाकार होते हैं, कि जो अपनी कम पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा डिविडेंड के उम्मीद पे, कि हमें भी ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, पर जो संचालक है वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़े को री इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे सरमायाकार है, इनको ये जितनी इनकी अपेक्षा है, जितनी इनकी उम्मीदें हैं, उतना डिविडेंड इनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये जो छोटे सरमायाकार है, इनको फ़ायदा हासिल नहीं होता इस चीज़ का, इस फैसिलिटी का। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच का फ़र्क। इसके अलावा हमने देखा राखी मुकेल कमानी, री इन्वेस्टमेंट, दोबारा सरमायाकारी यानी क्या, उसके फ़ायदे देखे और उसके हुदूद देखे। इंशाल्लाह अब जब हम दिवाली वेकेशन के बाद मिलेंगे, तब हम पढ़ेंगे उछीना भंडोड़ो, यानी कि कहाँ कहाँ से कंपनी पैसे हासिल कर सकती है, जिसमें हम डिबेंचर्स पढ़ेंगे, डिबेंचर्स की खसूसियात पढ़ेंगे, उसकी किस्में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।